जुगाड़ लगाया है यहाँ पे, गेट लगाए गए, बस भी चुन रही है पूरी, हम भी साथ साथ में चुन रहे हैं। बोले 5 मिनट पहले फोन करके बोलता है चलो जयपुर चलते हैं, जैसे अलवा हो बोल रहा है जयपुर चलते हैं, तो अभी जयपुर जा रहे हैं। कुछ पता नहीं, कोई सीन पता नहीं है कहाँ गाड़ी रुकी, कहाँ इसको पता था रुकी गाड़ी, भीम ब्यावर पता नहीं भीम ब्यावर कहाँ है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है ट्रिप में, जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज की ट्रिप और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हो रहे हैं 12:01 और हम उतर गए हैं अशोका होटल करके, इन्होंने कहाँ पर रुकी है, कौन सा गांव है ये, खारा गांव करके कुछ गांव है इधर। ये हमारी बस यहाँ पर उतरे। टेम्परेचर कितना हो रहा है अभी? 11 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ टेम्परेचर इज 11 डिग्री सेल्सियस। ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है देखने का, ठंड इतनी लग रही है, मतलब इतना ज़्यादा पहन रखा तो भी ठंड का एहसास हो रहा है बिल्कुल। अभी पता नहीं, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करते हैं फिर वापस चलते हैं, बोल रहा है 20 मिनट गाड़ी रुकेगी, देखते हैं जो कि लेना हो लेना, भाई अलग ही मुस्कुरा रहा है तो चलो नाश्ता वास्ता करते हैं फिर चलते हैं। ठंड इतनी है कि चाय दो मिनट, चाय कैसे बनेगी, पानी के पानी सुबह में भाई को डगर वगैरह आ रही है अभी से, कि भाई साहब बोल रहे थे कि कहाँ रुकेगी गाड़ी रास्ते में, भीम ब्यावर तो जाने कहाँ रह गया और गाड़ी जाने कहाँ रुके जाएगी, एकदम से आपने वक्त बदल दिए मेरे को, हालात बदल दिए, मतलब थोड़े थोड़े झपके आ रही थी मैंने पहले उठा दिया, बोले मैं समझा भीम ब्यावर आ गया नीचे जाग देगा, तो गाँव बदल गया, सब कुछ बदल गया एकदम से। फिर यहाँ पे अपन जयपुर में कितने 200 फीट अभी मैं फर्स्ट बार टाइम जयपुर आया हूँ, वो भी इनके साथ में, बहुत कलाकार आदमी है ये, आगे आगे वीडियो में आपको पता चलेगी इनकी कलाकृति, आज तो बहुत सुने मुने हो रहे हैं ये। और ये भाई सुबह सुबह हमारे लिए बना के लिया है कॉफ़ी वगैरह सब कुछ, बिस्किट लिया है कॉफ़ी के साथ, बिस्किट वाटर कॉम्बिनेशन। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि अभी बहुत पूरी रात की नींद बाकी है, तो अगर व्लॉग में अगर कुछ हुआ आगे, मतलब व्लॉग आएगा आगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, टेक केयर, मिलते हैं।